केमिस्ट्री का आपके लगाना है तो उसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैकेनिज्म का आइडिया है तो आप किसी भी अभिक्रिया को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए मैकेनिज्म मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अभिक्रिया होती है। हमने तो चलो बोल दिया कि जब आप एमिनो बेंजीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड से कराएंगे तो बन जाएगा, ऐसे नहीं बन जाएगा बनवानी, समझ गए। वो ऑटोमेटिक नहीं बनता है, अभिक्रिया होती है, उसके अंदर जो जो क्रियाएं होती है उनको बोलेंगे क्रिया विधि। उसे क्या बोलेंगे आप? क्रिया विधि। तो क्रिया विधि का पहला स्टेप है सोडियम नाइट्राइड, आप जिसको ले रहे हो क्रिया के लिए पहले जल से क्रिया करा देंगे, वो नाइट्रस अम्ल बन जाएगा और एनओ प्लस देगा, ठीक है। इसीलिए मैं शॉर्टकट एनओ प्लस बोल दिया हूं, ठीक है। तो एनओ प्लस मिला आपको। अब देखिए, अब इसी एनओ प्लस का यूज करेंगे डाई एजोनियम साल्ट को निर्माण के लिए, उसके बनाने के लिए। क्यों, कैसे? तो पहला तो स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एमिनो बेंजीन जो है आप उसको वैसे रखिए, ध्यान दीजिएगा, एंड सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच, तो फिर चार को यूज करेंगे वरना भटक जाएंगे। देखो एनओ प्लस है जी, एन डबल बॉन्ड ओ प्लस, ये एनओ प्लस की संरचना है। इसके पास प्लस आवेश है, इसके पास कोई आवेश नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, इनको जोड़ने के लिए NO पर जो प्लस है वो NO का खुद का प्लस है, समझ गए। और इसके बीच में प्लस क्या जोड़ने के लिए अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये अपना जो एमिनो बेंजीन है सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, तो हमने जिस चार्ज से यूज किया उसको उसी चार्ज से लिख लेंगे आप। देखो यहाँ पर N है, सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड H है, आगे क्या है NO, N डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस था, वो क्या होगा जब बॉन्ड बनेगा ना तो प्लस यहां से उठ करके यहां पर चलाएगा, ध्यान दिया, जब बॉन्ड बनेगा तो ये जो प्लस था इस पर यहां पर वो उठ करके इस N पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इस H को तोड़ेंगे, कहां पर सही, ऐसे तोड़ेंगे जिससे H पर प्लस आ जाए और N पर माइनस आ जाए, समझ गए। अगर अब ये H प्लस बाहर निकल जाएगा, मैं क्या बता रहा हूं देख लीजिए, अभी आप दिखा देंगे बेंजीन को सेम टू सेम वैसे ही, आपको कुछ नहीं करना, इसको N दिखाएंगे, अभी H जो है वो प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस चीज पर आ जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए माइनस भी नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस कट के बराबर हो जाएगा, इसमें केवल एक H बचा हुआ है, ध्यान दीजिए जी, ये H प्लस बाहर हो गया। कैसे किए, यहां पर ये प्लस को लेकर के बांध बनाया था, यहां पर आया था, हमने इस H को तोड़ दिया, H पर प्लस होता है और इस पर माइनस आएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, एक H बाहर निकल जाएगा, आगे क्या है, आगे अपना N है और डबल बॉन्ड O, ठीक है, एकदम आसान है। अब क्या करना, आपको H को रखे हो बाहर, अभी अब क्या करेंगे आप, देखिए इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके यहां पर लाएंगे और इस H को शिफ्ट करके यहां पर ले जाएंगे, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो बेंजीन वाला रिंग है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, ध्यान दीजिए, बेंजीन वाला जो रिंग है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, यहां पर N है, जब शिफ्ट करोगे तो 20 में डबल बॉन्ड आ जाएगा N और सिंगल बॉन्ड O बचेगा ना जी, और इसके पास कौन आ जाएगा, H। देखिए ये ब्लू वाला, ये जो H है ना जी, हमने इसको लेकर के गए यहां पर और ये अपना O पहले से यहां पर था, अभी क्या करेंगे आप आगे देख लीजिए, अपने हमने यहां पर ये छोड़ा है, इस H को उठा करके फिर इसके पास लाओ, देखिए कलर पर ध्यान देंगे आप, ये हो गया N, इसके पास कुछ नहीं है, अभी एक डबल बॉन्ड है जी N, सिंगल बॉन्ड O और इसके पास H एक आया था यहां से उठ करके, ये देखिए एक कर उठा करके फिर आप इसके पास लाएंगे, तो जब ये आएगा तो प्लस को लेकर के आएगा, फिर क्या करेंगे आप बांड को इस प्रकार से छोड़ो कि यहां पर माइनस जाए और यहां पर प्लस, इससे क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिए ये बेंजीन का रिंग है जी, अपने पास N है और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहां पर क्या है, हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, इस पर क्या बचा थी प्लस चार्ज बचा केवल, अब ये प्लस माइनस कटेगा, जब प्लस माइनस कटेगा तो H2O यहां से बाहर हो जाएगा, देखिए H2O को बाहर कर लिए,
अब ये इतना पदार्थ बना हुआ है, ध्यान देंगे आप, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप एन टू प्लस, है कि नहीं जी, एन टू प्लस आ गया, और इस एन टू प्लस की क्रिया कराएंगे आप HCl से, यहां पर HCl लिया गया भाई जब इसको यूज करेंगे आप तो क्या बनेगा, ये HCl को ले लेगा, ध्यान दीजिए यहां पर आ जाएगा एन टू प्लस एंड Cl माइनस, और H प्लस बाहर निकल जाएगा, आप उसको यहीं पर रखिए, इसका यूज हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड्स बनेगा इतनी लंबी अभिक्रिया से, इसी कंपाउंड्स को बोलते हैं डाई एजोनियम साल्ट, इसी को बोलेंगे आप डाई एजोनियम साल्ट, डाई एजोनियम साल्ट। देखिए कितना आसान है, ठीक है, पूरे चैप्टर में जी ये एक अभिक्रिया है जो कि विशेष है, डाई एजोनियम साल्ट का मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि सवाल यहां से तो आने ही आने होते हैं, और इसका यूज हम लोग यहीं पर नहीं, हर जगह करेंगे, हर चैप्टर में करेंगे इसको यूज, इसलिए बोल रहा हूं कि जितना मैकेनिज्म है पहले वाले पार्ट में सब पढ़ लीजिए एक बार, जितना मैकेनिज्म आपको पढ़ाया गया पहले वाले पार्ट में, PCl3 PCl5 कुछ भी रहे, आप सबको मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का आपका नियम बताया गया था आपको, उसको पढ़ लेंगे डाई एजोनियम साल्ट, इसको बोलेंगे सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, पता है जी डाई एजोनियम साल्ट का निर्माण कैसे होता है, इसी अभिक्रिया के द्वारा होता है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, समझ गए, एक बार रिवाइज कर लेंगे सब आ जाएगा। फाइनली एमिनो बेंजीन की क्रिया कराएंगे सोडियम नाइट्राइड HCl से, तो ये मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे डाई एजोनियम क्लोराइड, माने साल्ट है ये क्या एक साल्ट है, तो डाई एजोनियम साल्ट का निर्माण ऐसे हो जाता है, डाई एजोनियम साल्ट जो बना है N2 प्लस और Cl माइनस की क्रिया आप किसी से भी करा दीजिए, अब चाहे आप HBr से करा दो, चाहे तो आप करा दो Cl2 से, या तो Br2 से करा दीजिए, ठीक है, अपने पास कोई भी हाइड्रोजन रहेंगे तो क्रिया हो जाएगी, फिर क्या बनेगा ध्यान दीजिए, इधर आप जिससे क्रिया कराएंगे वही आ जाएगा, Br2 है तो कौन आएगा, Br आएगा प्लस, ठीक है जी, अब सब बाहर निकल जाएंगे, अपना N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और घबराएंगे नहीं, यहाँ पर जो Br2 है, एक Br जो है ना जी, वो किसी और से क्रिया कर लेगा तो Cl से क्रिया कर लेगा, Cl से क्रिया कर लेगा फिर क्या बन जाएगा, ClBr, ClBr, ठीक है, और अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक काम करो, देखो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगा लेंगे आप HBr, देखो ना, अब क्या होगा, अपना जो N2Cl- है जी, HBr रहेगा, ये इधर आ जाएगा Br, N2 बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा फिर HCl, देखो ठीक है, आम बात है, कैसे होगा देख लीजिए एक बार, इसका मैकेनिज्म क्या है, N डबल बॉन्ड N पर प्लस था और Cl पर माइनस, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और हमने क्या लिया है HBr, तो H प्लस होगा और Br माइनस, अब माइनस वाला जो है प्लस से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, और देखो ये बॉन्ड बन जाएगा तो N2 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा Cl, जो है खींचे लिखे का होते ये या बोलेंगे यार ऑब्लिक ऑब्लिक, ये तो स्लैश कर दो, ठीक है, ये आपका भेजी आराम से रहेगा।